2.2 क्वेश्चन नंबर 15. आई हैव अ टोटल ऑफ रुपी 300 इन क्वाइंस ऑफ डिनोमिनेशन. इसका मतलब है कि उसके पास 300 रुपए हैं, वो कॉइन्स की फॉर्म में है उसके पास, और कॉइन्स कौन कौन से हैं उसके पास, रुपी 1, रुपी 2 एंड रुपी 5. तो उसके पास कॉइन जो है वो एक तो रुपी 1 के हैं, रुपी 2 के हैं और रुपी 5 के हैं. द नंबर ऑफ रुपी 2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपी 5 कॉइन. ये हमारे पास एक कंडीशन है जो हम यूटिलाइज करेंगे. वो कह रहा है कि क्या रिलेशन है नंबर 2 में और नंबर 5 में, नंबर 2 में और नंबर 5 में क्या रिलेशन है. नंबर 2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपी 5 कॉइन्स. तो अगर हम रुपी 5 को एक्स मान लेते हैं कि जो रुपी 5 के कॉइन्स हैं वो कितने हैं, एक्स हैं, तो रुपी 2 के कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 3 टाइम्स, इससे 3 टाइम्स मतलब 3x. द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160. जो टोटल कॉइन्स है हमारे पास, नंबर ऑफ कॉइन्स, अमाउंट नहीं, ये टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स की बात कर रहा है, वो कितनी है, 160. हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी. तो अलग अलग कॉइन्स हमें बताने हैं कि नंबर 1 के कितने कॉइन्स होंगे, 2 के कितने होंगे और रुपी 5 के कितने कॉइन्स होंगे. तो इसके लिए यहाँ देखते हैं, हमें 2 कंडीशन जो है वो 5 रुपी की पता चल गई है कि वो x है, रुपी 2 के लिए 3x है. अब यहाँ बच गया रुपी 1, तो रुपी 1 के लिए हम यूटिलाइज करेंगे दिस वन, नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स दैट इज 160. अगर टोटल 160 है तो इस टोटल में से अगर मैं रुपी 2 के कॉइन्स माइनस कर दूं दैट इज 3x, रुपी 5 के भी कॉइन्स माइनस कर दूं दैट इज x, तो कितने कौन बच जाएगा, रुपी 1 कॉइन. तो इसको एक बार आप अच्छे से दोबारा समझे, रुपी 5 के कॉइन्स हमने x अज्यूम कर लिए, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग रुपी 2 के कॉइन्स 3 टाइम्स हैं रुपी 5 के कॉइन्स से, तो वो हो गया 3x. रुपी 1 के कॉइन्स कितने होंगे, जो टोटल कॉइन्स है 160 उसमें से रुपी 2 के कॉइन्स माइनस कर दिए दैट इज माइनस 3x, रुपी 5 के भी माइनस कर दिए माइनस x, तो कौन से बच गए हमारे पास, रुपी 1 कॉइन. तो रुपी 1 कॉइन क्या हो गया, 160 माइनस 3x माइनस x. नाउ यहां हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो है, टोटल अमाउंट इज रुपी 300. अब जैसे ही इसका टोटल अमाउंट बनाएंगे हम, तो हमारे पास हो जाएगा, सपोज हमारे पास 5 कॉइन्स हैं रुपी 2 के, तो टोटल हमारे पास कितना अमाउंट हो गया, दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, 5 इंटू 2 दैट इज रुपी 10. तो हमारी पॉकेट में टोटल कितना हो गया, रुपी 10. तो इसका मतलब जितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं उसको अगर हम रुपी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा. तो वैसे यहाँ करेंगे हम, रुपी 1 के कितने कॉइन्स हैं हमारे पास, 160 माइनस 3x माइनस x, ये नंबर ऑफ कॉइन्स हैं रुपी 1 के, प्लस 3x मल्टीप्लाई रुपी 2, ऐसे ही x मल्टीप्लाई रुपी 5, ये टोटल हमारे पास जो हो जाएगा ये टोटल अमाउंट हमारे पास दिया हुआ है 300. सॉल्व करते हैं इसे, रुपी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रह जाएगा, तो 160 माइनस 4x, 3x एंड x दोनों को ऐड करेंगे, सेम साइन के हैं तो ये हो जाएगा 4x, प्लस 3 इंटू 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3x इंटू 2 दैट इज 6x, प्लस 5 इंटू x 5x इक्वल्स टू 300. 160 इज अ कॉन्स्टेंट, इसको एज इट इज रखेंगे, माइनस 4x, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले प्लस कर लेते हैं, 6x प्लस 5x तो ये हो जाएगा 11x इक्वल्स टू 300. 160 एक माइनस है एक प्लस है, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट होगा, अपोजिट साइंस मींस सब्ट्रैक्शन, तो 11 माइनस 4 7x, और साइन आएगा जो बड़े के साथ है, बड़ा नंबर है 11, तो 11 प्लस पॉजिटिव है तो इसके साथ प्लस का साइन आएगा, इज इक्वल टू 300. x निकालने के लिए 7x को यहीं रखेंगे और 160 राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज होगा, वहां जाकर 160 माइनस हो जाएगा, तो 7x इक्वल्स टू 300
माइनस 160, तो ये हो गया हमारे पास 140। x इक्वल्स टू 140 अपॉन 7, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो राइट हैंड साइड जब ट्रांसपोज होगा तो वो डिवाइड होगा, ये आएगा 20। तो x की वैल्यू हो गई 20। उसने पूछा है हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, इसका मतलब हमें सभी के कॉइन्स निकालने हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं। यहाँ हम नंबर ऑफ कॉइन्स निकालेंगे, फर्स्ट रुपी वन कॉइन, रुपी वन के कितने कॉइन्स हो जाएंगे हमारे पास, 160 माइनस 4x, 160 x की वैल्यू पुट करेंगे जस्ट, 4 मल्टीप्लाई 20, 80 इक्वल्स टू 160 माइनस 80 इज 80। रुपी टू कॉइन्स, टू के कॉइन्स कितने हैं, 3x, तो x की वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 20 दैट इज 60। रुपी फाइव कॉइन्स x, x एज इट इज 20 है, तो रुपी फाइव के कितने हो गए 20। तो अब हमें क्या मिला, नंबर ऑफ कॉइन्स मिले हमें रुपी वन के 80, रुपी टू के 60 और रुपी फाइव के 20। तो दिस इज द आंसर। थैंक यू।